सो फाइनली फ्रॉम द चैप्टर ज्योग्राफिकल सेटिंग चैप्टर नंबर 4 वी आर स्टार्टिंग ए वन मोर इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट फ्रॉम द टॉपिक नेचुरल फ्रंटायर्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। टॉपिक क्या है? नेचुरल फ्रंटायर्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, क्या समझेंगे इसमें हम? नहीं पता हमें। ठीक है, सो शायद नेचुरल फ्रंटायर्स ने कैसे हेल्प की हमारे कल्चरल कॉन्टेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने में, दिस वी विल लुक इनटू आफ्टर रीडिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ईच ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय रिवर्स। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि इंडिया की बात चल रही है। सो ईच ऑफ द रिवर्स बाउंडेड बाय रिवर्स, राइट? इवन फॉर एनी स्टेट वी विल टॉक अबाउट, राइट, लाइक एनी अदर कंट्री, राइट, इंडिया एंड ईच ऑफ द पार्ट और ईच ऑफ द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बाउंडेड बाय रिवर्स। देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स एंड सीजनल रिवर्स which flows into this particular country, right? So each of the area of this country is bounded by rivers, in some cases by mountains, and even if there are certain places where there are no rivers, so that place that has replaced with the mountains, right? Even if you could see from the in the जम्मू कश्मीर, मीन्स इवन आई डोंट हैव एनी एग्जाम्पल्स टू पुट वेयर देयर इज नो रिवर्स एंड इन द प्लेस ऑफ रिवर्स देयर आर माउंटेन्स, राइट? सो बोथ आर जनरली लोकेटेड इन द सेम प्लेस, बट देयर आर नो सर्टेन एग्जाम्पल्स विच आई गिव टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट देयर आर in certain areas there are rivers but not mountains, or there are mountains but not rivers, right? तो दोनों चीज़ हो सकती हैं, but ऐसा कभी नहीं हुआ river के साथ mountains हो सकती, but जहाँ पर mountains ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पर rivers नहीं है, right? So each of the areas bounded by rivers, in some cases by mountains, right? And sometimes with deltas and plateaus, in some cases with deltas and plateaus, constituted a political and administrative unit in which different ruling dynasty rose and fell. क्या मतलब है इसका? Each of the areas bounded by rivers, in some areas by mountains, and sometimes with deltas and plateaus. Clear? Constituted a political and administrative unit in which different ruling dynasties rose and fell, constituted a political and administrative unit. ठीक है, so there were, थोड़ा practical approach से समझना पड़ेगा, ठीक है? अब तक जो हम podcast बना रहे थे वो थोड़ा रट्टू दोदा वाले approach से चल रहा था, but अब थोड़ी podcast का approach change करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? What we have seen that each of the area bounded by rivers of this country, na, in some cases by mountains and sometimes with the deltas and plateaus, constituted a political and administrative unit. और इन सभी ने मिलकर क्या बनाया? They all constituted a political and administrative unit. How they set up, how they constitute a political and administrative, because at every place there were number of dynasties from the ancient to the modern India rose and fell. So all these areas
constituted a political and administrative unit in which different ruling dynasties rose and fell on account of difficult communication in a vast country and the defensibility of the natural frontiers. It was not easy for the ruling class of one region to establish and control over all the other regions. क्या लिखा है? राइट, यदि ऐसा कुछ होता कि कम्युनिकेशंस नहीं है, ठीक है, यदि हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम की, ठीक है, और उस टाइम पे यदि जनरली मान लेते हैं कि डायनेस्टीज होती, ठीक है, ठीक है, या हम काफ़ी आगे तक भी आ जाएं तो जब मगध में हम देखते थे जो पूरा रीजन है वो फॉरेस्ट रीजन्स में आता था. सो इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर वन डायनेस्टी टू कैप्चर और रिप्लेस द अदर डायनेस्टी. ये जो सिस्टम है एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी को अलग करना, रिप्लेस करना, वॉर वगैरह करना, ये तब स्टार्ट हुआ जब एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ. सो ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस इन अ वास्ट कंट्री सच लाइक इंडिया, राइट, इवन इफ वी सी इन द एग्जाम हिस्ट्री, सो एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त कैंपेन हमने क्या देखा था कि समुद्रगुप्त ने जब साउथ के टाइप नीचे जब रीजन में आया तो उसने कई रीजन क्या क्या कर दिए, दे दिए, मीन्स जिन किंग्स को हराया था, जिन किंग्स ने उसकी सोजैनिटी को एक्सेप्ट किया था, उन्हीं किंग्स को वो जो स्टेट्स हैं वो लौटा दिए. बिकॉज देयर इज अ वास्ट रीजन, because of vast diversity of culture, of area, of language, समुद्रगुप्त को पता था कि यदि मैं सुजैनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, करवा पाता हूँ, और यदि मैं डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करूँगा, सो इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर देयर गवर्नर और द पर्टिकुलर ऑफिशियल to control over this particular province because there are huge difference between the North India and South India. So on accounts of difficult communication in a vast country and the defensibility of the natural frontiers, ये देखिए बहुत अच्छी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक natural frontiers जिसके बारे में पढ़ रहे थे, उनका एक nature समझ में आया है. क्या nature? Defensibility. And the defensibility of the natural frontiers, it was not easy for the ruling class of one region to establish its control over all other regions. Right? कैसी जगहों पर? दो चीज बताई गई हैं, ऑन अकाउंट्स ऑफ डिफिकल्ट कम्युनिकेशन, सेकंड व्हेन द नेचुरल फ्रंटियर्स आर एक्टिंग एज अ डिफेंसिबिलिटी यूनिट. ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं. सो ग्रेजुअली एवरी रिलीजन ग्रू इनटू डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट विथ इट्स ओन स्टाइल ऑफ life and language. क्या लिखा है? gradually every region grew into a distinct cultural unit over all the other regions. यार ये हो क्या रहा है, तो time pass ही कर लो ना. gradually every region grew into a distinct cultural unit with its own style of life and language. Gradually, every region grew into a distinct cultural unit with its own style of life and a language. However, in northern and western India, क्या बोल रहे हैं? However,
in northern and western India, is states like Gujarat, right, Rajasthan. Most languages were derived from the same Indo-Aryan stock. Clear? And hence had many elements in common. What is also important is that virtually throughout Indian Sanskrit came to be cultivated and understood. क्या लिखा है? What is also important is that virtually throughout India Sanskrit came to be cultivated and understood, right? जरूरी जानना क्या है? Even now, right, हम थोड़ी transitional period के बाद की बात कर रहे हैं. That even after regions, when they are growing and developing their distinct cultural unit with its own style of life and language, what is important is that virtually throughout India Sanskrit came to be cultivated and understood. By this remaining we will do in the second podcast.